इंग्लिश स्ट्रक्चर के पार्ट 10 में आपका पुनः स्वागत है। हमने बताया था कि स्ट्रक्चर ही आज मॉडर्न इंग्लिश में सबसे बड़ा हथियार है, जिससे आप जल्द अंग्रेजी जो है सीख सकते हैं, आपका इंटरेस्ट जो है लगातार इंक्रीज होता जाएगा। यही सबसे अच्छा माध्यम है जिसको इंग्लिश स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसके पार्ट 10 में देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स, नॉन प्रोग्रेसिव यूज में इसका प्रयोग करेंगे। प्लस नॉन प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस टेंस में नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस, प्लस टाइम या फॉर प्लस टाइम। तो आपने सिंस का प्रयोग पढ़ा होगा से के अर्थ में निश्चित समय के साथ, और फॉर का प्रयोग समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग। अब जैसे वाक्य देखिए, इसमें मैं उन्हें दस वर्षों से जानता हूं। आपका इसमें टाइम दिया हुआ है इतना समय से, और वाक्य की हिंदी आ रही है सिंपल प्रेजेंट में, ताहती है। तो कहा जाता है कि जिस वाक में सिंस प्लस टाइम या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग हो हिंदी वाक में, इतना समय से, तथा उस वाक की हिंदी प्रेजेंट इनफिनिट में हो, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। वैसे वाक को हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं, मतलब नॉन प्रोग्रेसिव यूज कर करके, हैज बीन हैव बीन प्लस वी फॉर से न बना करके हम, क्योंकि अब जानना क्रिया है तो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में होगा ही नहीं। तो ऐसे वाक जिसकी हिंदी सिंपल प्रेजेंट में हो और उसमें सिंस प्लस टाइम या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग हो, तो उस वाक को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया जाता है। जैसे मैं उन्हें 10 वर्षों से जानता हूं, तो आई, आई के अनुसार हैव हुआ, नोन प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वी थ्री, आई हैव नोन हिम 10 वर्षों से, फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, वह पिछले साल से यहां रहता है, पिछले साल से यहां रहता है, तो ही हैज लिव्ड हियर सिंस लास्ट ईयर। पिछला साल निश्चित ईयर हो जाता है, इसलिए सिंस का प्रयोग किया। यह लड़का पिछले मार्च से अंग्रेजी सीखता है, तो दिस बॉय हैज लर्न्ड इंग्लिश पिछले मार्च, निश्चित टाइम है, तो सिंस लास्ट मार्च। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि वाक की हिंदी अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है और उसमें समय से, या तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ से या पॉइंट ऑफ टाइम के साथ से का प्रयोग हो, तो उस वाक को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वी फोर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कि द एक्शन इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, मतलब अभी वर्तमान में उपकार चल रहा है, जारी है। और सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव कहता है कैसे, इसके बारे में समझेंगे। इफ द एक्शन हैपेंस रेगुलरली, यदि कोई एक्शन हमेशा हुआ करता है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाते हैं। अब दो वाक को देखें, वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है और वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है, दोनों एक ही वाक्य है, लेकिन एक है कि अभी, मतलब इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा है, मतलब द एक्शन इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, तब बनाएंगे ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, अभी वह क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है मतलब तो नियमित रूप से, अब कोई कहे कि मैं इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, मतलब नियमित रूप से पढ़ा रहा हूं,
उसको आप रहा है रही है समझ करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में न बनाएंगे, बल्कि सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। तो यहां हो जाएगा ही, सॉरी, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है मतलब नियमित रूप से, तो ही रीड्स, और वह अंग्रेजी पढ़ रहा है मतलब अभी क्लास में उसको पढ़ाई हो रही है, अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो ही इज रीडिंग। ठीक है, अब दोनों में अंतर मान लीजिए कि ही इज रीडिंग, अब ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग का मतलब क्या हुआ कि अभी अभी जो है सो पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, अभी उनका पढ़ाने का कार्य चल रहा है। ही टीचेज मतलब वे पढ़ा रहे हैं मतलब रेगुलर रूप से, रेगुलर रूप से यहाँ पर वो रह करके पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब जब रेगुलरिटी आ जाएगी, नियमित रूप से कार्य होगा, तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में न बना करके प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस रिमेन प्लस एडजेक्टिव। यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो सब्जेक्ट के अनुसार रिमेन या रिमेंस भी हो सकता है, अगर पास्ट में है तो रिमेंड हो जाएगा। इसका हिंदी हो जाता है रहता है, रिमेंड रहता था, कंडीशन या स्टेट अवस्था बताने के लिए, इसे वह उदास रहता है मतलब कंडीशन या स्टेट अवस्था बता रहा है। यहाँ रिमेन रहना मतलब किसी जगह में नहीं रहना है, किस अवस्था में, अवस्था में रहने के लिए बताता है, तो किसी अवस्था में रहने में हम रिमेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब जैसे ही रिमेन्स हैप्पी, वह खुश रहता है, ही रिमेन्स सैड, वह उदास रहता है, ही रिमेन्स एंग्री विथ मी, वह मुझसे क्रोधित रहता है, ही रिमेन्स एबसेंट फ्रॉम द क्लास, वह अपने क्लास से एबसेंट रहता है। अब ही रिमेन्ड हैप्पी, वह खुश रहता था, ही रिमेन्ड सैड, वह उदास रहता था, ही रिमेन्ड एंग्री, वह क्रोधित रहता था, ही रिमेन्ड एबसेंट फ्रॉम द क्लास, वह अपने क्लास से अनुपस्थित रहता था। ठीक है, अब इसमें जैसे कहेगा कि वह खुश रह रहा है, अगर कंटिन्यूअस में हिंदी बोलता है तो रिमेन जो है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, नॉन प्रोग्रेसिव मतलब इसका कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं होता है। तो वह खुश रह रहा है या खुश रहता है, दोनों एक ही तरह से दोनों को बनाया जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी। यदि कोई पूछे कि वह क्रोधित है, क्रोधित रहता है या क्रोधित रह रहा है, तो ऐसा नहीं बना देंगे कि ही इज रिमेनिंग एंग्री, नहीं, ही रिमेन्स एंग्री, क्योंकि रिमेन कैसा वर्ब है जिस वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन या गो ऑन या कैरी ऑन या रिमेन प्लस वी फोर। अगर कंटिन्यू का प्रयोग करेंगे तो टू प्लस वी वन, इस में कीप या कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन, रिमेन या कंटिन्यू का मतलब किसी कार्य को जारी रखना होता है। यह प्रेजेंट में भी आ सकता है, पास्ट में भी आ सकता है, फ्यूचर में भी आ सकता है। यदि प्रेजेंट में आप कहते हैं तो कीप या कीप्स भी आ सकता है, पास्ट में यदि इसका प्रयोग करेंगे तो केप्ट हो जाएगा, फ्यूचर में यदि इसका प्रयोग करते हैं तो विल या शैल कीप हो जाएगा, तीनों टेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका हिंदी क्या होगा से आप हिंदी भी समझ लेंगे, जैसे ही कीप्स या कीप्स ऑन भी ला सकते हैं, प्रेजेंट में है, ही कीप्स ऑन प्लेइंग क्रिकेट मतलब वह क्रिकेट खेलता रहता है, मतलब किसी कार्य को जारी रखता है। अब ही कीप्स ऑन प्लेइंग क्रिकेट कोई सबसे बना सकते हैं, गो ऑन से भी बना सकते हैं, तो ही गोज ऑन प्लेइंग क्रिकेट,
कैरी से ही बना सकते हैं, ही कैरीज ऑन प्लेइंग क्रिकेट। रिमेन से ही बना सकते हैं, ही रिमेन्स प्लेइंग क्रिकेट। कंटिन्यू से ही बना सकते हैं, तो ही कंटिन्यूज, लेकिन कंटिन्यू का प्रयोग करेंगे तो 2+V1, तो टू प्ले क्रिकेट। इसका मतलब कि कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन, रिमेन के बाद जो वर्ब आएगा कि चौथा रूप में आएगा आईएनजी लग करके, लेकिन कंटिन्यू का प्रयोग करेंगे तो 2+V1 आएगा। तो वह क्रिकेट खेलता रहता है, इसका ट्रांसलेशन कितने ढंग से बना है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ढंग से। वह पढ़ता रहता है तो ही कीप्स या कीप्स ऑन रीडिंग, या ही गोज ऑन रीडिंग, या ही कैरीज ऑन रीडिंग, या ही रिमेन्स रीडिंग, या ही कंटिन्यूज। कंटिन्यूज करेंगे तो 2+V1, तो ही कंटिन्यूज टू रीड। पांचों तरह से बना सकते हैं। ये तो प्रेजेंट में आपका आया, कोई काम करता रहता है, खेलता रहता है, पढ़ता रहता है, तंग करते रहता है। अब पास्ट में देखिए, ही केप्ट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता रहा या बोलता रहता था। पास्ट में हो गया। तो अब इसको इससे भी बना सकते हैं, ही वेंट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, ही कैरीड ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, ही रिमेंड स्पीकिंग इंग्लिश, या ही कंटिन्यूड टू स्पीक इंग्लिश, कंटिन्यू के साथ 2+V1। अब जैसे ही कंटिन्यू टू लाफ, वह हंसता रहता था या वह हंसता रहा? तो कोई काम करता रहता था या कोई काम करता रहता था। अब जैसे देखिए, ही विल कीप टीचिंग, वह पढ़ाता रहेगा। फ्यूचर में आ गया, वह पढ़ाता रहेगा। अब इसे ही बना सकते हैं, ही विल गो ऑन टीचिंग, ही विल कैरी ऑन टीचिंग, ही विल रिमेन टीचिंग, ही विल कंटिन्यू टू टीच। यहां ध्यान देना है कि कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन, रिमेन, इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वह V4 मतलब ING लग करके भर में आएगा, और कंटिन्यू के साथ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मतलब 2+V1। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, पास्ट में रहेगा डिड, फ्यूचर में रहेगा तो विल या शैल डू, प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो नथिंग बट का मतलब होता है ही का मतलब शो करता है सिर्फ या केवल। जैसे ही डज नथिंग बट लाफ, वह हंसता ही रहता है, या मतलब वह सिर्फ हंसता है, मतलब हंसने के अलावा कोई काम नहीं करता है। ही डज नथिंग बट प्ले द होल डे, वह दिन भर खेलता ही रहता है, मतलब खेलने के अलावा और कोई काम वो नहीं करता है। तो वह खेलता ही रहता है मतलब वह सिर्फ खेलता है। तो यहाँ नथिंग बट का जो मतलब ही हिंदी आ रहा है, उस ही का मतलब हो रहा है सिर्फ या केवल। ये प्रेजेंट में आपने देखा, पास्ट में ही डिड नथिंग बट प्ले क्रिकेट, मतलब वह क्रिकेट खेलता ही रहता था, वह क्रिकेट खेलता ही रहता था, मतलब इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता था। ही डिड नथिंग बट डिस्टर्ब अस, वह हम लोगों को तंग करता ही रहता था, हम लोग को तंग करने के अलावा वह दूसरा काम नहीं करता था, सिर्फ हम लोगों को तंग ही करता रहता था। राहुल विल डू नथिंग बट रीड द होल डे, राहुल दिन भर पढ़ता ही रहेगा, दिन भर दूसरा काम नहीं करेगा। फ्यूचर में आ गया, राहुल पर दिन भर पढ़ने के अलावे कुछ नहीं करेगा, मतलब वह दिन भर पढ़ता ही रहेगा, मतलब उसके कार्य पर जोर देने के लिए आ रहा है कि बस वही काम करेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा।
राहुल विल डू नथिंग बट वेक्स अस। राहुल कुछ नहीं करेगा, सिर्फ हम लोगों को तंग ही करते रहेगा। मतलब राहुल हम लोगों को तंग ही करता रहेगा और इसके अलावा वह कुछ नहीं करेगा। I will do nothing but teach, मतलब मैं पढ़ाता ही रहूंगा। मतलब मैं पढ़ाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। मतलब मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, इसके अलावा कोई दूसरा काम मैं नहीं करूंगा। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर थे, आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपका लैंग्वेज स्किल जो है, सो लैंग्वेज में आपका जो रुचि है और बढ़ेगा। आप बोलने का, समझने का, लिखने का जो है सो आपका कैपेसिटी जो है सो बढ़ता रहेगा। इस तरह से स्ट्रक्चर का यह पार्ट जो 10 था, यहाँ पर हम उसको समाप्त करते हैं। फिर अगले पार्ट में नए चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।